भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। यज्ञ न सिर्फ पूजा पद्धति अपितु हमारे आंतरिक व बाह्य जीवन के व्यक्तित्व के निर्माता भी हैं। इसीलिए अपने जो वैदिक वाङ्मय हैं, वैदिक जो ग्रंथ हैं, उनमें प्रार्थना की गई कि आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणुयज्ञेन कल्पताम, चक्षुयज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रयज्ञेन कल्पताम, मनोयज्ञेन कल्पताम, आत्मयज्ञेन कल्पताम और ब्रह्मयज्ञेन कल्पताम इति। कि हमारी जो आयु है, हमारी जो चक्षु है, हमारा प्राण है, हमारी आँख है, हमारे जो श्रोत्रेंद्रियाँ हैं, हमारा मन और हमारी आत्मा क्या हो, यज्ञ से प्रबल बने, सबल बने, हम अधिक समय तक देख पाए, सुन पाए, हमारे शरीर में प्राण अधिक समय तक चल पाए। इसीलिए हम जब अग्निहोत्र हवन करते हैं तो सर्वप्रथम अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं। ओम वाङ्मय आस्यस्तु, कि मेरी जो वाणी है वह जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक बनी रहे, मैं बोल पाऊँ। वैसे ही मेरे जो घ्राण इंद्रियाँ हैं, आँख हैं और कान हैं, सारी हमारी भुजाएं हैं और हमारे जो दोनों पाद हैं, पैर, ये भी लंबे समय तक बना रहे, किसी प्रकार की कोई विकृति, कोई रोग ना आए, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो वही प्रार्थना इसमें की गई कि हे परमपिता परमेश्वर, हे अग्निदेव, हमारी यह जो आत्मा है ये और उत्कर्ष को प्राप्त हो और उन्नति को प्राप्त हो, ऐसी इसमें भावना की गई है। इसीलिए हम प्रतिदिन यज्ञ से अपने जो आधी है, व्याधि, उसको तो दूर करते ही हैं, हमारा संस्कार भी अच्छा बनता है, हमारे संस्कार भी उन्नत बनता है। इसीलिए इसके 2 लाभ हैं, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट हम देखते ही हैं कि अग्निहोत्र करते हैं तो हमारे शारीरिक रोग है, मानसिक, कल आपने देखे थे ना, यहीं के जो अपने भ्राता पाचक जो भोजन पकाने वाले हैं, उन्होंने कुछ अपने समस्या बताए और फिर हमने उनको राख दिए। अग्निहोत्र के बाद जो शेष तत्व बचता है, भस्म, एस, उसको दिए और उन्होंने लेपन किए पानी से, थोड़े फिर बाद में घी से, और उनकी जो करीब कई महीनों से समस्या थी वो समस्या उनके 1 दिन में हल हो गई। तो ये अद्भुत
जो चिकित्सा पद्धति है यज्ञ की, इसी की महिमा सारे शास्त्रों में, सारे वेदों में गाई गई है। और इसके साथ साथ हमारे जीवन कैसे और उत्कर्ष बने, जैसे हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, तो उससे जैसे हमारा मन शांत हो जाता है, किसी प्रकार की कोई विकृति है, कोई विकार है, मन में कोई उद्विग्नता है, तो सभी जैसे शांत हो जाता है, अशुभ विचार नष्ट होकर हम प्रशांत चित्त बन जाते हैं, वैसे ही अग्निहोत्र से भी। इसीलिए कहा गया कि भारतीय संस्कृति के दो मूलभूत तत्व है, योग और यज्ञ, अग्निहोत्र हवन। इसी से ही हमारा संपूर्ण विकास संभव है। और यह जो हमको बाहर दिखाई दे रहे हैं वातावरण, आज सबसे अधिक प्रदूषित कोई है तो वो वायु है ना। अब सामान्य हम ऑक्सीजन का लेवल यदि वर्तमान समय में देखें तो अत्यधिक है, जबकि सामान्य वातावरण को संतुलित बनाने के लिए करीब 21% ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए वातावरण में। कितने प्रतिशत जी? 21%। जो नाइट्रोजन है उसका 78% होना चाहिए वातावरण में। वैसे ही जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका है 0.03% होना चाहिए। और जो अन्य गैसें हैं उसका 1% होना चाहिए। लेकिन आज इतनी संख्या बढ़ रही है, जगह जगह वन काटे जा रहे हैं, जो उपजाऊ जमीन है, खेती है, उसको बंजर बनाए जा रहे हैं, मकान बन रहे हैं ना, तो निरंतर वातावरण प्रदूषित, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, तूफान आना, समुद्री लहर आना, सुनामी, तो ये सब इसी कारण से है कि हम प्रकृति का जतन करना छोड़ दिए हैं। अपने जतन में हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। तो ये आज इसकी लेवल ऑक्सीजन का 21% होना चाहिए, वो घटकर, और जो CO2 है वो 0.03% होना चाहिए, उसके लेवल अत्यधिक बढ़ गया, 5 से 10% बढ़ गया। तो इस कारण से आज नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर में जन्म ले रहे हैं। तो इसको शुद्ध करने के लिए हमारे शास्त्रों में जगह जगह सबसे अधिक किसी बात की चर्चा है, किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर यदि चर्चा है तो वो हवन पर है, अग्निहोत्र पर है सबसे अधिक। और प्रकृति के संतुलन के लिए कहा गया कि 31% में वन होना चाहिए। कितने प्रतिशत? 31। लेकिन आज घटते घटते सारे पहाड़ काटे जा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, फैक्ट्रियां, कारखाने, उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो इसके कारण से ये घटते घटते आज 19% हो गया है। इस कारण से आप देख रहे हैं कितनी गर्मी, गर्मी के समय में गर्मी, ठंडी के समय में अत्यधिक कभी ठंडी पड़ जाती है, अचानक गर्मी बढ़ जाती है, लू लग रही है जगह जगह सीमेंट के रोड के कारण से। तो कहीं जो प्रकाश है उसको परावर्तित होने के लिए जगह ही नहीं है, जल को नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं है, सब बहकर कहाँ जा जाता है? नदी में, तालाबों में और समुद्र में जाकर मिल जाता है ना। पानी को तो हम ठहरने के लिए जगह ही नहीं देते, हर जगह प्लास्टर है, सीमेंट का रोड है, डामर का रोड है। तो आज इस कारण से जो भूगर्भ जल है वो भी बहुत ही नीचे चला गया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए दो प्रकार के साधन बताया गया है, एक तो है वृक्षारोपण, दूसरा है हवन। अब वृक्षारोपण भी कहाँ कर पाएंगे इतने जगह में, व्यक्ति जो है एक ही मकान में नाना फ्लोर है, अब उसमें रह रहे हैं तो कहाँ पर वृक्ष लगाएंगे, एक ही फ्लोर में वो हजारों की संख्या में हैं तो जगह ही नहीं है। तो हमारे पास एक ही फिर साधन बच जाता है, वो है अग्निहोत्र। प्रत्येक व्यक्ति कहीं पर भी अपने घर में हवन कर सकता है। जो आपको दिखाए थे डेमो, छोटा सा लिए और अपना 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट में ही आपको सब कुछ, आप अपने घर को अस्पताल बना सकते हैं। कई ऐसे संस्था भी हैं जिसमें 5 मिनट के अग्निहोत्र करते हैं, 5 मिनट, उसमें छोटे थोड़ी मात्रा में
अक्षत चावल लेते हैं, खड़ी चावल और दो बूंद घी, और उसको थोड़े से मिश्रीभूत कर कर दो आहुति समर्पित करते हैं। और उस पर रिसर्च किए और पाए गए कि उससे वहाँ का जो वातावरण है पूर्ण रूप से पूरा औषधि गुणों से युक्त हो जाता है। जो रेडिएशन है, फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, सभी प्रकार से वहाँ पर उसकी जो लेबल है, रेडिएशन की जो लेबल है उसमें कमी पाई गई। तो हम जब उनके 5 मिनट और हम जब 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा करते हैं तो उसका और कितना प्रभाव होता होगा। पहले भी बताया था ना कि इसका प्रभाव सामान्य छोटा सा करते हैं तो 4 किलोमीटर तक इसका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर जो हम आप सभी मिलकर कर रहे हैं अखंड यज्ञ, महायज्ञ, तो उसका प्रभाव आप देख सकते हैं कितनी दूरी तक। तो ये आप पुण्य का काम कर रहे हैं, आप पुण्य की सहभागिता अपने प्रकट कर रहे हैं, ऐसे कहीं पर देखने को नहीं मिलता जहाँ सामूहिक यज्ञ किया जा रहा हो पूरे भारत में। तो यहाँ ये झारखंड प्रांत हमने देखे, जगह जगह सारे यज्ञ यज्ञ ही पूरा सुगंध फैलाने के लिए सभी तत्पर हैं। तो ऐसे यह जो यज्ञ है ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, इसीलिए इसको पुण्यों की फैक्ट्री कहा गया है कि सभी प्रकार के पुण्य हमको मिलता है। एक व्यक्ति किसी को भोजन खिलाएगा तो सिर्फ कितने व्यक्ति को लाभ होगा जी? एक ही व्यक्ति को होगा ना। यदि कोई भिक्षुक आया है, कोई मांगने के लिए आया है, उसको भोजन देने से एक ही व्यक्ति का लाभ होगा। कोई और कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो 2-3 को और कुछ अधिक को, हजार की संख्या में। लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, तो उसका लाभ अनगिनत लोगों को मिलता है। और सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, अपितु जो इतर प्राणी है, जीव जंतु है, वनस्पति जगत है, औषधि जगत है, वातावरण है, भूमि है, जल का शोधन है, सभी प्रकार के जो पंच महाभूत है, संपूर्ण तत्वों को इससे लाभान्वित मिलता है, इससे पुष्टित होता है, इससे परिपोषित होता है। तो इसीलिए हम 4 प्रकार की वस्तु हम हवन सामग्री में मिलाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार की वस्तु हम। सर्वप्रथम पुष्टिवर्धक, कौन सी वस्तु जी? पुष्टिवर्धक। द्वितीय फिर रोगनाशक, तृतीय मधुर मिष्ठान्न, चतुर्थ है सुगंध। पहला क्या है? पुष्टिवर्धक, द्वितीय रोगनाशक, तृतीय मिष्ठान्न और चतुर्थ सुगंध कारक। अब इसमें हम देख सकते हैं थोड़े से इसको यदि खोले तो, और कि पुष्टिवर्धक क्या है? घी है। घी खाने से होता है ना शरीर में स्थूलता बढ़ती है, शरीर में ताकत बढ़ती है, तो ये पुष्टिवर्धक है। घी है, चावल है, रोटी है, जौ है, मुनक्का है, बादाम है, अश्वगंधा है, शतावर है, मूसली है, ये सब क्या है? पुष्टिवर्धक है, शरीर को पुष्ट करने वाला है, बल देने वाला है, ताकत देने वाली है ये वस्तुएं। फिर रोगनाशक, रोगनाशक में हम क्या प्रयोग करते हैं ये आपके सामने हमने लाए हैं, इसीलिए उस दिन भी बताए थे। आज हम थोड़े से इधर मरकच्चो ग्राम के, कोडरमा जिले के थोड़े जंगल घूम कर आए तो वहाँ से कई हमने लाए ये गिलोय। पहले भी बताए ना कि गिलोय त्रिदोष नाशक है, वात पित्त और कफ इसको दूर करने का सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य, कैंसर को दूर करने का इसमें अद्भुत सामर्थ्य है। तो आप इसको ऐसे ही चबा लीजिए, प्रातःकाल उठते ही रस ले लीजिए चबा कर, या फिर इसको थोड़े थोड़े कटिंग कर कर इसको पका लो, काढ़ा गर्म पानी में, फिर इसका जो रस आए उसको पी लिए अपने चाय की तरह, या फिर इसको छोटे छोटे काट कर हवन सामग्री बना लीजिए, सुखा लीजिए। गर्मी के सीजन है तो आपके 15-20 दिन में ये सूख जाएगा, तो आप हवन सामग्री के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है रोगनाशक, कौन सा है ये? रोगनाशक है। वैसे ही इसमें ये है, ये इसके इसको बोलते हैं धाय फूल, इसको और क्या बोलते हैं जी? यहाँ पर धाय फूल बोलते हैं हिंदी में, देखिए ना इसको, ये कैंसर के लिए जबरदस्त है। किसके लिए? ये
कैंसर के लिए आपके इधर से ही हमने लाए हैं उठाकर, धावा है ना, ये धावा है, ये धावा जिसको धाएं, इसके फूल का कैंसर के लिए प्रयोग करते हैं, जबरदस्त है ये। वैसे ये सियोनाक जो देखे होंगे, इसको देखें आपने, ये सियोनाक है, ये भी जबरदस्त है सभी प्रकार के रोगों के लिए। तो ये रोग नाशक है, रोगों के नाशक के लिए इसको प्रयोग करते हैं। और जो हम नीम का प्रयोग करते हैं, नीम पत्ती है, नीम की गुठली है, नीम के छाल है, अर्जुन छाल है, मीठी वच है, तुलसी पत्ता है, ये सब क्या है, रोग नाशक है। और फिर हम तीसरा लेते हैं मिष्ठान्न, मीठा पदार्थ जिसमें मिश्री लेते हैं, मुनक्का है, और हलवा भी डालते हैं, खिचड़ी खीर डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो ये जितने भी मिष्ठ पदार्थ है, तो ये मिष्ठान्न है। और फिर चौथा है जी सुगंध कारक, कौन सा है, सुगंध कारक, इसमें हम प्रयोग करते हैं जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं, इलायची है, लौंग है, कपूर है, गुग्गल है, राल है, दालचीनी है, और श्वेत चंदन है, तो ये सारे क्या है, सुगंध कारक है। तो चार प्रकार के जो पदार्थ है, इनको मिलाकर ही हम हवन सामग्री तैयार करते हैं। इन चारों में से एक की भी कमी हुई तो पूरा लाभ नहीं मिलता है, सभी काम करता है। जो रोग है उसको रोग नाशक नष्ट करता है, शरीर में कमी आ गई, वीकनेस, शरीर में किसी प्रकार के कमजोरी आ गई है, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो उसको दूर करने के लिए पुष्टिवर्धक, शरीर में मीठापन, शुगर, एनर्जी का लेवल बना रहे उसके लिए मिष्ठान्न, शरीर सुगंधमय हो अच्छा से, हमारे जीवन वाणी भी सुगंध कारक हो, तो उसके लिए हम सुगंध पदार्थ डालते हैं। और कल मैंने कहा था कि यज्ञ का सार क्या है, यही है सुरभि सुगंध, जो भी पदार्थ डालते हैं वो हमको शुद्ध प्राणवायु के रूप में मिलता है, तो ये उसका सार है। तो चार प्रकार के हवन सामग्री, चार प्रकार के पदार्थ से हम हवन सामग्री तैयार करते हैं, और ये तैयार कर कर फिर हम ऐसे तीन उंगलियों से स्वाहा की आहुति समर्पित कर दिए, 10 से 15 मिनट फिर बैठकर वहीं पर प्राणायाम करते हैं, तो चाहे कितने भी गंभीर से गंभीर रोग हो, चाहे कितने भी पुराना रोग हो, डिसीज हो, उसमें हमको जबरदस्त लाभ मिलता है। योग और यज्ञ का, दोनों का जब समवाय होता है, जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो जहाँ योग से किसी बड़े रोग में समय लगता है, वैसे ही हवन में यदि किसी बड़े रोग में हमको समय लगता है, लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो हमको कम समय में जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे अद्भुत विद्या यह हमारे ऋषियों ने प्रदान की, और इसीलिए कहा गया होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, जिनके घर में यह हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वह घर हिरण्य अर्थात सुखमय से, शांति से भर जाता है, उनके जीवन में कभी भी कोई निराशा, कभी कोई संबंध में विच्छेद नहीं आता है, पूरे परिवार सम्मिलित होकर चलता है। तो ऐसी यह जो अग्निहोत्र विद्या है, इसको हम अपनाएं। हम जब प्राचीन काल में देखते थे, तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इसी उपनयन संस्कार, उसमें भी यज्ञ हुआ, जब गुरुकुल में गए तो वहाँ पर भी प्रतिदिन यज्ञ ही करते थे, अग्निहोत्र ही करते थे। जब घर में आए तो हवन, और उनका जन्म ही महाराजा दशरथ ने क्या की, पुत्रेष्टि यज्ञ की ना, पुत्र प्राप्ति के लिए, जो पुरोहित ऋषि श्रृंगी जी उनके समक्ष इस यज्ञ को संपन्न किया गया, और उनके जीवन को ही देख लीजिए। तो ऐसे हैं, जिस मनोकामना से, जिस भाव से हम अग्निहोत्र करते हैं, तो वैसे ही वो घटित होता है, वैसे ही हमारे जीवन में, जैसे अब किसी माँ के, कोई माँ को यदि कोई बच्चा ना हो रहा हो, बंध्यत्व जिसको कहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में औषधि बताई गई कि उसके सेवन, उसके हवन से हमारे
शरीर में यदि किसी प्रकार की कमी है तो वो भी दूर हो जाता है। जो वायुभूत तत्व है ना, वो कहाँ आ रहे हैं? हमारे श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में आ रहे हैं। तो शरीर में किसी प्रकार की इनफर्टिलिटी है, किसी प्रकार की कोई कमी है, किसी प्रकार की कोई हार्मोन्स की कमी है, स्राव नहीं हो रहे हैं, मानसिक डिप्रेशन है, किसी प्रकार से हमारे शरीर में शोध हो गया है, सूजन आ गए हैं, तो उन सबको दूर करने का सामर्थ्य इसमें है। इसीलिए तो इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया। नौर्भा एषा स्वर्गीय यद अग्निहोत्रम, ये नौका है। नौका देखे ना, नाव में बैठकर हम क्या करते हैं, पार करते हैं कि नहीं करते? नदी को करते हैं, कोई समुद्र को पार करता है। तो वैसे ही इस यज्ञ रूपी नौका में बैठकर हम सारे रोगों से पार हो जाते हैं। ऐसा यहाँ नौका है, ऐसी यहाँ नौका है। तो इस नौका में हम बैठे जिसमें हमको सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। तो इसी क्रम में हम कुछ रोगों को लेंगे कि जिससे हम और इससे जुड़ पाए, क्योंकि व्यक्ति को रिसर्च की बातें कम समझ आती है और शास्त्र बातें भी कम समझ आती है। जब उनको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं, प्रैक्टिकल व्यवहार में जो घटित बातें हैं, तो उनको ठीक ठीक समझ आता है, ठीक दिखाई देता है। जब प्रत्यक्ष वो देखते हैं कि इनके जीवन में ये घटित हुआ है और इससे ये छुटकारा पाया है, तो उनके जीवन में वो लगता है कि हाँ, इससे मैं भी छुटकारा पा सकता हूँ, इससे मैं भी निवृत्त हो सकता हूँ। तो इसी विषय को लेकर भाई, आदरणीय भाई, मैं सुरेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस यज्ञ चिकित्सा से जो लाभान्वित लोग हैं, जो इससे अपने जीवन को सुंदर बनाया, किसी प्रकार के रोग थे उससे निवृत्त होए, उससे अपने जीवन को पूर्ण रूप से निरोगमय बनाए, आरोग्यमय बनाए, तो ऐसे लोगों के जीवन को प्रस्तुतिकरण कहेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भाई सुरेश जी। संसार को योग और भारतीय ऋषि संस्कृति से जोड़ने वाले महान योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी के योग्य श्रद्धा और आदर के सम्मान के पात्र शिष्य पूज्य स्वामी विप्रदेव जी महाराज और आप सभी धर्मप्रेमी सज्जनों एवं माताओं बहनों, विगत 5-6 दिनों से आप निरंतर हमसे यज्ञ और योग चिकित्सा के संबंध में अलग अलग जानकारी सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आपकी कम संख्या, कम उपस्थिति हमें फिर से पुनः विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर करती है कि आप हमारी बातों को कितना गहराई से, गंभीरता से ले रहे हैं वा नहीं। आप में से कितने लोग निरंतर 5 या 6 दिन से इसे सुन रहे हैं? महानुभाव, ये बहुत अद्भुत विद्या है। यदि आप इस विज्ञान को जान लें, समझ लें, अपने जीवन में धारण कर लें, तो आपको किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास विवश होकर, लाचार होकर जाने की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 99% आप अपनी बीमारियों का इलाज अपने घर पर ही स्वयं कर पाएंगे। किसी भी बीमारी में हम बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि किसी भी बीमारी में आप यदि अपनी चिकित्सा स्वयं करना चाहते हैं, तो आपको यज्ञ का विधि और सामग्री के विषय में सामान्य ज्ञान होना, योग की उन क्रियाओं का ज्ञान होना जो अत्यंत आवश्यक है दैनिक जीवन के लिए, और आयुर्वेद का, खान पान का, पथ्य अपथ्य का सामान्य ज्ञान होना, ये 3 चीज़ें हैं जो अभी तक हमने पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में पतंजलि योगपीठ से अभी तक जो हमने समझा है, जाना है, इन ऋषि संस्कृति के मूल को यदि आप अपने जीवन में यज्ञ को जोड़ते हैं, योग को जोड़ते हैं और आयुर्वेद के सामान्य ज्ञान को जोड़ते हैं, इन 3 चीज़ों को यदि आप ठीक ठीक
समझ लेते हैं और अपनी दिनचर्या को सुबह से रात तक, जब आप उठने से लेकर रात को सोने तक की जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, भोजन करते हैं, अपने अलग अलग काम करते हैं, इन सभी क्रियाकलापों को यदि इन अनुशासन व्यवस्था में बना लें, जो शरीर विज्ञान के नियम के आधार पे हमें जीना चाहिए, उठना चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, और जो नहीं 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 करने वाले जो जो अकर्तव्य हैं उसे भी जान लें, और जो कर्तव्य कर्म हैं उसे भी जान लें, तो 99% आप बीमारी से ही बच जाते हैं। फिर भी यदि किसी कारणवश, दुर्घटनावश कोई बीमारी हो भी जाए, तो भी उसका निदान आपका घर बैठे ही आप स्वयं कर सकते हैं। केवल निदान ही नहीं, अपितु उसके चिकित्सा भी आप स्वयं कर सकते हैं। इतना इन ऋषि संस्कृति में, इस भारतीय मूल परंपरा में जोरदार वजन है और जोरदार शक्ति है। यह अद्भुत कला है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए, बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं, बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाए आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं सब सामान भी लाए, तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं, और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है, और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अभी पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।